5 अगस्त को भारत समेत दुनिया के शेयर बाजारों में दशक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी क्रमशः 2.74% और 2.68% की गिरावट के साथ बंद हुए। जापान के निक्केई में 12.40% की गिरावट आई और दक्षिण कोरिया के कोस्पी, कोस्डैक कैश और वायदा बाजारों में कारोबार निलंबित कर दिया गया। अमेरिकी मंदी की संभावना और पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के कारण निवेशकों में घबराहट फैल गई। हालांकि इन सब के पीछे का एक प्रमुख कारक येन कैरी ट्रेड का बंद होना बताया गया। तो आखिर वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार में गिरावट का क्या कारण है? जापानी मुद्रा येन का इस गिरावट से क्या संबंध है? येन कैरी ट्रेड क्या है और भारतीय बाजार पर इसका क्या असर पड़ेगा? आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि येन कैरी ट्रेड क्या है। चूंकि वैश्विक निवेशक हमेशा पैसे कमाने के अवसरों की तलाश में रहते हैं, ऐसा करने का एक तरीका यह है कि ऐसे देश से पैसे उधार लें जहां ब्याज दरें कम हों और उस पैसे को ऐसे देश में निवेश करें जहां ब्याज दरें बहुत ज्यादा हों। सरल शब्दों में कहें तो इसे ही कैरी ट्रेड कहा जाता है। ऐसे अवसर इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को उस स्तर पर रखने की कोशिश करते हैं जो उनकी विशिष्ट आर्थिक स्थितियों के अनुकूल हो। इसका एक उदाहरण जापान है, जहां बैंक ऑफ जापान, जो वहां का केंद्रीय बैंक है, ने 2011 से 2016 के बीच ब्याज दरों को 0% पर रखा था और 2016 से उन्हें 0 से भी कम कर दिया था। कम ब्याज दरों के पीछे का विचार आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है। लेकिन ऐसी सस्ते पैसे वाली मौद्रिक नीति के वैश्विक प्रभाव हैं, खासकर इसलिए क्योंकि जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसकी मुद्रा येन पर भरोसा किया जाता है। उदाहरण के लिए, ऐसी कम ब्याज दरें निवेशकों को येन में सस्ते में उधार लेने और बेहतर रिटर्न पाने के लिए अन्य देशों जैसे ब्राजील, मैक्सिको, भारत और यहाँ तक कि अमेरिका में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसे कैरी ट्रेड को येन कैरी ट्रेड कहा जाता है। चूंकि बैंक ऑफ जापान ने लंबे समय तक ब्याज दरें इतनी कम रखी, यहाँ तक कि जब रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें तेजी से बढ़ा दी, तब भी इस बैंक ने अपनी दरें नहीं बदली। इससे अरबों डॉलर के येन कैरी ट्रेड को प्रोत्साहन मिला और इन उधारों ने दुनिया भर के कई देशों में निवेश को बढ़ावा दिया। तो फिर समस्या कहां आई? दरअसल बैंक ऑफ जापान ने इस साल मार्च के मध्य से जुलाई के अंत तक ब्याज दरों में 35 आधार अंकों की वृद्धि की, जिससे जापान में मौद्रिक भूचाल आ गया। चूंकि -0.1% के बजाय 0.25% ब्याज दर एक महत्वपूर्ण बदलाव था, खासकर भारतीय परिप्रेक्ष्य से, जहां उधार दरें 6.5% से अधिक हैं और आगे ब्याज दरों में वृद्धि की संभावना भी चिंताजनक है। इसके कारण निवेशकों ने अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी संपत्तियां बेच दी, जिससे येन कैरी ट्रेड का अनवाइंडिंग हो गया। भारत के लिए इस गिरावट का अर्थ क्या है? गौरतलब है कि येन कैरी ट्रेड में लंबे समय तक बिकवाली से दलाल स्ट्रीट में अस्थिरता पैदा हो सकती है। भारत में शीर्ष 10 इक्विटी बाजार निवेशकों में से एक जापान के पास 2,00,000 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर हैं। इससे सेंसेक्स और निफ्टी जैसे घरेलू सूचकांक कमजोर हो सकते हैं। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशकों की बढ़ती ताकत शेयर बाजारों को सहारा देगी। वैश्विक जोखिम विरोधी धारणा बाजार की तरलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है और रुपये पर दबाव डाल सकती है, जो पिछले महीने एशिया में दूसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। आपको बता दें कि 5 अगस्त को रुपया डॉलर के मुकाबले 6 पैसे की गिरावट के साथ 82.88 रुपये के निचले स्तर पर बंद हुआ। आज का प्रश्न, कैरी ट्रेड के पीछे प्राथमिक रणनीति क्या है? ए, कम आर्थिक वृद्धि वाले देशों के शेयरों में निवेश करना। बी, मुद्रास्फीति के खिलाफ बचाव के लिए विभिन्न देशों में वस्तुओं का व्यापार करना। सी, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले देशों से बॉन्ड खरीदना। डी, कम ब्याज दरों वाले देश से
पैसा उधार लेना और उसे उच्च ब्याज दरों वाले देश में निवेश करना? अपना उत्तर कमेंट में दें।